थोड़ा सा इसके बारे में आप जानकारी दें, ये 605 कब लिया था आपने? 2007 मॉडल है जी ये। अच्छा, नवा लिया था? नया लिया था। कितना चल गया होगा? चलने के तो भैया दो टायर जैसे इसके, घंटे घंटे कहाँ किसान याद रखा है। तो वैसा इंजन में कोई शिकायत? जलने वाली चीज़ें सर्विस करो और अपना टायर के साथ टायर बदलो। वैसा बड़ी मशीन नहीं मजा है आज के ज़माने में? बड़ी मशीनरी का यही फ़ायदा है कि अपना वैसा काम नहीं, मेंटेनेंस नहीं मांग। बिल्कुल, जैसे आपका ये है ऑल्टरनेटर, ये कितने किलोवाट का है? 45 का। तो इससे चला लेते हो? इससे चलाते हैं, दूसरे से चलाते छोटा भी है। वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती होगी इसे चलाने की? इससे चलाते हैं जो है। औसत नहीं आ रहा। दूसरे वाला कौन सा जी? 275 गाँव में होगा। और दूसरा ट्रैक्टर दिखाते हैं किसान भाइयों। ये खड़ा है प्रीत। हाँ, ये तो किसान भाई हो। ये है, ये तो आपने नया लिया, देखे था? हाँ, ये भी नया लिया जी। प्रीत 955। ये कितनी एचपी का जी? ये 52 HP में जी। 52 HP। तो इसका इंजन तो किलोस्कर का दिखा है शायद, कौन सा है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये कैसा काम कर रहा है जी? बढ़िया काम कर रहा है जी, फर्स्ट क्लास। लोड ठाणे में तो बहुत बढ़िया है। तो बिल्कुल स्वराज का, पिछला से उसे स्वराज है जी, पिछला स्वराज का है और अगला जो है। तो इंजन भी स्वराज ही लग रहा, ऐसा कमी कुछ नहीं। बड़ा हमारा, हमारे गांव में बड़ा दमदार ट्रैक्टर है। जोर लगाने में तो कमी है ही ना जी, बस मार्केट ही कम है। मार्केट भी हमारे यहाँ कोई है, बाकी क्षेत्र में तो बहुत है जी। यहाँ ढिलन फार्म में यहाँ कई है, 4x4 भी है यहाँ पे तो बहुत है। यहाँ से रामराज हाँ जी, बहुत ट्रैक्टर है। वैसे कितने का आ गया था इस टाइम? ये 6.5 का जी। अच्छा, मेरठ से लिया होगा? हाँ जी। दिक्कत कुछ नहीं आई? मेरठ नंबर है जी। तो तेल वेल खाने में कैसा? तेल वेल ठीक है, जैसे लोड गिरोगे वैसे तेल खाते। मतलब कुल मिला का काम बढ़िया कर रहा? बहुत बढ़िया। 14 का टायर होगा है। ये बहुत बढ़िया। कितना अब कितने कौन कब लिया था मतलब? कितना लिया था जी? अच्छा, तो कुछ नहीं बिगड़ा इसका। तो किसान भाई यो, ये हैं बालिंदर जी, गांव झिटोली से। इनका अपना फार्म है और इनकी ये मशीनरी है, और हमारा थोड़ा सा रिश्तेदारी का भी कनेक्शन है। तो मैं आज इसी उससे इनके यहाँ आया, दोपहर में ही रुका, खाना वाना सब सभी लिया। ये इनका अपना फार्म है रामराज में, और गांव में भी ज़मीन है। और इनकी कहाँ है? मोदी नगर, फजलगढ़ गांव में। हाँ, मोदी नगर फजलगढ़। हाँ जी। तो किसान भाई हो, वहाँ भी मकान बना हुआ है। अच्छा, ऐसी इस तरह का भी? हाँ जी, इस तरह का। तो दोस्तों, कौन कहता है खेती में मज़ा नहीं है? खेती में देखो, आने वाली जो पुश्तें हैं उनके लिए बहुत अच्छी सोच है हमारी ये किसानों की। कल को भगवान न करे कोई बात ऐसी हो जाए, नौकरी ना लग पावे या कुछ घटनाएँ घट जाएँ, तो जो है परिवार रोटी तो खा लेगा। देखो, किसान तो यही सोचता है, बाकी कोई क्या सोचता है हमें नहीं पता। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना। नमस्कार। ये हैं बालिंदर के, बालिंदर जी के छोटे भाई। आपको शुभ नाम? भूपेंद्र सिंह। आप बड़े हो, बड़े लगे हैं। कोई बात नहीं, साथ से क्यों? वो तकड़े लगे हैं ना। अच्छा, वो छोटे हैं, शैलेंद्र तीसरे नंबर के। ठीक है जी, नमस्कार।